इंडिया में 5G सर्विस का सपना अब बेहद जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पूरा हो चुका है और जियो, एयरटेल, वीआई टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने 5G ब्रांड स्पेक्ट्रम ले लिए हैं। सरकार की ओर से लोगों में उम्मीद जगाई जा रही है कि 5G प्लान्स भारत में बाकी दुनिया की तुलना में सस्ते होंगे। मोबाइल यूजर 5G स्मार्टफोन्स खरीद चुके हैं और अब बस इंतजार कर रहे हैं 5G नेटवर्क के शुरू होने का। लेकिन सस्ते 5G रिचार्ज प्लान्स की उम्मीद लगाए भारतीयों को बड़ा झटका लगने वाला है। 5G टेलीकॉम सर्विसेज शुरू होने से पहले 4G के टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों 4G रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की जाएगी और कितना महंगा हो जाएगा 4G प्लान, ये सब हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। देश में 5G टेलीकॉम सर्विसेज शुरू होने से पहले 4G रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं और आने वाले कुछ ही महीनों में 4G रिचार्ज प्लान में 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स, नोमुरा और गोल्डमैन साक्स का अनुमान है कि 2022 में कंपनियां 30% तक टैरिफ बढ़ाएंगे। रिलायंस जियो, एयरटेल और वीआई तीनों ही कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स महंगे होने वाले हैं। इसके बाद ये टेलीकॉम ऑपरेटर 5G के लिए प्रीमियम टैरिफ वसूलेंगे। ट्रूसेल के मुताबिक 5G सर्विसेज का इस्तेमाल 4G टैरिफ के ऊपर प्रीमियम पर निर्भर करेगा, इसलिए ये पक्का करने के लिए कि लोग बड़े पैमाने पर 5G अपनाएं, कंपनियां 4G सेवाओं का टैरिफ बढ़ा सकती हैं। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च का भी अनुमान है कि कंपनियां 1.5 GB प्रतिदिन वाले 4G प्लान्स के टैरिफ पर 30% तक की प्रीमियम वसूल सकती हैं। यानी 239 का 1.5 GB वाला प्लान आपको 310 का पड़ेगा और 666 का 1.5 GB वाला प्लान आपको 866 का पड़ेगा। नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, शुरुआती तौर पर प्रीमियम ग्राहक जिनके पास 15,000 रुपए से ज्यादा के स्मार्टफोन है 5G सेवाएं सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे में हमारा अंदाजा है कि टेलीकॉम कंपनियां 5G पर प्रीमियम टैरिफ वसूलेंगी। उधर गोल्डमैन साक्स ने एक नोट में कहा है, हमारा पहले से अनुमान रहा है कि 2022 के अंत तक टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर टैरिफ बढ़ाएंगी। हमारी राय ये है कि इस सेक्टर में आए वृद्धि का अगला पड़ाव साबित होगा। गौरतलब है कि 5G एयरवेव्स की नीलामी से सरकार को 1,50,173 करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 5G स्पेक्ट्रम पाने के लिए रिलायंस जियो ने 88 करोड़ रुपए से ज्यादा, भारतीय एयरटेल ने 43 करोड़ रुपए से ज्यादा, वीआई ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चुकाई है। जियो सभी 22 टेलीकॉम सर्किल में प्रीमियम 700 MHz बैंड में 5G स्पेक्ट्रम खरीदने वाला अकेला ऑपरेटर है। इसके चलते जियो ने 5G की दौड़ में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। टेलीकॉम एक्सपर्ट के मुताबिक लो फ्रिक्वेंसी बैंड होने के कारण इसके सिग्नल इमारतों के भीतर तक यानी अंदर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये इंडोर कवरेज के लिए फायदेमंद है। इसका आउटडोर कवरेज भी शानदार है, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का टावर करीब 10 किलोमीटर तक कवरेज दे सकता है। आपको जानना चाहिए कि अक्टूबर, नवंबर या साल के आखिर तक कॉरपोरेट और प्रोफेशनल जैसे चुनिंदा यूजर्स के लिए 5G सर्विसेज शुरू होने की संभावना है। हालांकि आम लोगों तक ये सेवाएं पहुंचने में 2 से 3 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कंपनियों को बड़ा निवेश करना पड़ेगा और इसमें समय भी लगेगा। इसके अलावा कंपनियां ये देखते हुए 5G का दायरा बढ़ाएंगी कि मांग किस रफ्तार से बढ़ रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करें।